मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर का एक अलग तरह का उपयोग बताने जा रहा हूं, जो कि प्रैक्टिसेस हम लोग ग्रेप्स आने वाला है हमारा जो प्रोमगनेट है उसमें करते हैं। जब ग्रेप्स सीजन भी आएगा तो मार्च में हम लोग उसके पत्तियों को झाड़ने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जो मार्केट से आते हैं, जो कि 1200 1300 1400 रुपए लीटर मिलते हैं, और उसको हम लोग स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं, झड़ने के बाद एक हफ्ते बाद आप देखते हैं उसमें से नई नई कलियां निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन जब हम केमिकल यूज कर रहे हैं, एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उसके साइड इफेक्ट भी है। जब आप स्प्रे करेंगे केमिकल, आप देखेंगे प्लांट की जो दशा है वो अच्छी नहीं रहती, उसके अंदर केमिकल गया तो अनइजीनेस आती है, उसे आपका जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर असर आता है, और वही जब पत्ते आपके जो आपने डाले केमिकल वो नीचे जब गिरे, गिरने के बाद जब डिकम्पोज हुए तो उससे एक तो डिकम्पोज बहुत लेट होते हैं, दूसरा आपका सॉइल के अंदर टॉक्सिटी पैदा करते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपके शुरू से चली आ रही है, तो इसको कैसे अवॉइड करें उसके लिए आपको मैं सिंपल बताने जा रहा हूं कि आप लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, आप लोग उसको तरल वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, वो बॉटल लें। आप उसको 500 लीटर पानी में, जैसे आपका खेत है आपको मालूम है कि कितने प्लांट लगे हैं, कितने आपके अंदर वो एरिया है उसके हिसाब से, लेकिन एक एकड़ में 500 लीटर आपको पानी का स्प्रे कराना है, तो 500 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन बनाएं। उसके अंदर आपको मालूम है 5 किलो गुड़ डाल दिया, 500 लीटर वाटर ले लिया, और इसको हमेशा प्लास्टिक में बनाएं या मिट्टी के बर्तन बनाएं, या फिर आप जमीन में खोद के उसमें तारपीन डाल दीजिए आपके प्लास्टिक की और उसके अंदर बना लें। लेकिन किसी भी हालत में आप सीमेंट वाला टैंक, टाइल्स वाला टैंक या कोई भी तरह के इसे जो बने हुए हैं उससे आप ना बनाएं, क्योंकि उससे आपका मटेरियल काला हो जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाती है और केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। अब आपने इसको बनाया, 500 लीटर बनाया, उसके अंदर आपने 5 किलो गुड़ और एक सीसी डाल दी और सुबह शाम चलाया, ये बना के रख दी। अब ये बना के रखा, ये आपको 30 दिन तक रखना है। अब 30 दिन रखने के लिए उसके ऊपर ढक दीजिए, ढक के चाहे घर के अंदर रखें, चाहे बाहर रखें, चाहे धूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कवर करें ताकि मिट्टी और कोई भी पेस्ट वेस्ट अंदर ना जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप चलाते रहेंगे, देखेंगे उसका पीएच कम हो जाएगा। पीएच क्यों कम होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे बाहर आते हैं, एंजाइम सब बाहर आएंगे, बैक्टीरिया इसमें हर तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि अपना सारा एंजाइम्स इसमें निकालते हैं, और उससे क्या है खट्टापन आता है और पीएच भी डाउन होना शुरू होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरल चीज, इसका पीएच चेक कर लीजिए, पीएच मीटर आता है उससे टेस्ट कर लीजिए, तो इसका पीएच 5 से नीचे होना चाहिए, लेकिन जब 30 दिन तक रखते हैं तो देखेंगे आप 4 से नीचे आ जाएगा, तो 5 से नीचे आया आइडियल है। आप लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं पीएच, जो हम कॉलेज में हाई स्कूल और इंटर में आपको लिटमस पेपर मिलता था एसिड टेस्ट करने के लिए, तो वो लिटमस पेपर आता है मार्केट में अवेलेबल है, 15-20 रुपए का एक स्ट्रिप मिलती है, एक स्ट्रिप डाली पानी के अंदर, आपके अंदर उसमें अगर कलर आते हैं अलग अलग, अगर लाल कलर आ गया इसके माने हमारा ही बन गया, यानी इसके अंदर एसिड आ गया। अब ये जो एसिड आया ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, इसी को आपको मेंटेन करना है। तो 30 दिन के बाद जब आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करने जा रहे हैं केमिकल, तो उससे पहले हमारा एक बार इसको ट्राई करिए, आप इससे 100% स्प्रे कर दीजिए, एक एकड़ में 500 लीटर प्लांट को नहला दीजिए, नहलाने के बाद छोड़िए, देखिए 3 दिन के बाद उसकी पत्तियां गिरना शुरू होंगी, 5-7 दिन के अंदर पूरी पत्ती गिर के नीचे आएगी, पत्ती गिर के नीचे आई, अब वो पत्ती आपको मालूम है जो पत्ती नीचे गिरी उसमें ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर है, तो वो भी सड़ के आपके खाद बनाती है, आपकी ऑर्गेनिक कार्बन है। ये फायदा होता है इससे लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन बना के स्प्रे करने से। अब एक आपने कर दिया, दूसरा क्या करें, बना के रखें आप 200 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 200 लीटर पत्थरों का, और अगर पत्तियों का बना सके 200 लीटर पत्तियों का, ये तीनों चीजें अलग अलग बना लें,
जब वो भी 30 दिन पुराना है, इनको सबको तीनों को मिला लीजिए, 200, 200, 200, 600 लीटर होंगे, या 100 लीटर आप खाली पत्तियों का रख लें, 200, 200 लीटर माइक्रोनेट, 200 लीटर आपका पत्थरों का अर्क लिया, 100 लीटर पत्तियों का अर्क लिया, इनको तीनों को मिला के 500 लीटर एक हफ्ते के बाद, आपने पहले ये स्प्रे किया वेस्ट डिकम्पोज में, पत्तियां जड़ गई, फिर एक हफ्ते बाद इसको स्प्रे कर दीजिए। जब आप इसको स्प्रे करेंगे आप देखेंगे ऐसा फुटान आएगा प्लांट के अंदर, आप देखते रह जाएंगे, लीव्स एक से एक कोमल, चिकनी, हरी, नेचुरल कलर, बिल्कुल चमकदार आपको दिखाई देगी, पत्तों का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके जो जो जितने तने हैं, जितने आपके उसमें ब्रांचेस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें आपके चिकनाहट आएगी, उसमें पानी का संचारण अंदर, न्यूट्रिएंट का संचारण बढ़ जाएगा, ये पूरा प्लांट ही रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें आप चाहे ग्रेप्स हो, चाहे आपका प्रोमगनेट हो, या कोई भी आपका फल फ्रूट वाला फसल हो, उसको ये एक बार जरूर इससे करना चाहिए। जैसे ही आप पत्तियां झाड़ेंगे आप देखेंगे उसमें बिल्कुल चेंजेस आएंगे। अब आप जब आपने दोबारा पत्थरों का को इसको स्प्रे किया, उससे आपका बिल्कुल चमक आने से हो जाएगी, और उसके बाद फिर पत्थरों का अर्क और आपका पत्थरों का अर्क प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट कम से कम दो बार और स्प्रे करते हैं, जब आपको फ्लावरिंग का आने के पहले, फ्लूटिंग का आने के पहले, जैसे ही आपने इसको दो तीन बार स्प्रे किया, जितना स्प्रे किया उतना अच्छा है, ये तो किया किया। साथ ही साथ आपको पानी के साथ वेस्ट डिकम्पोजिशन सोल्यूशन जाना जरूरी है, अगर डीप इरीगेशन है तो कंटिन्यू जाने दीजिए, बिना इसके आप वेस्ट डिकम्पोजर के अलावा आप पानी दीजिए ना। 300 लीटर पानी लिया आपने, सॉरी 3000 लीटर पानी लिया आपने, वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन बना लिया, उसके अंदर 300 लीटर आपने मिला दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट, 300 लीटर मिला दिया उसके अंदर पत्थरों का, और 300 लीटर ही मिला दिया पत्तियों का अर्क, इनको मिला के 3900 लीटर हर सिंचाई में जाएगा। और अगर डीप इरीगेशन कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू चल दीजिए, बनाते रहिए, जाने दीजिए, बनाते रहिए, जाने दीजिए। और इसके अलावा अगर आपके बड़े बड़े प्लांट हैं तो 5000 लीटर तक जा सकते हैं, 5000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, 500 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 500 लीटर आपका स्टोन एलिमेंट, 500 लीटर आपके अंदर लीव्स एक्सट्रैक्ट, ये सब डाल के आप करिए। और बाकी जो प्रॉम व्राम आप डालते हैं वो डालते हैं, 5 टन पर एकड़ है, अगर ज़्यादा डालें कोई नुकसान नहीं है। ये जो आप सब डालेंगे आप देखेंगे कि प्लांट में अद्भुत परिवर्तन आएगा, आपको एंटीबायोटिक, ग्रोथ हार्मोन्स, या जो जितने कॉस्टली आपको 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये लीटर बेच रहे सब बंद हो जाएगा, बीमारियां आएंगी नहीं, 90% बीमारी दूर ही रहेगी। आपका जो बताते हैं कि हाँ भाई ग्रेप्स बढ़ाने के, लंबाई बढ़ाने के लिए आप ये केमिकल, वो सारे बंद हो जाएगा अपने, जैसे ही आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला, आपने पत्थरों का डाला, उसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा, लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी, और फ्रूटिंग जो होगी वो देखने लायक होगी, एक एक बंच जो उगेगा उसका, उसकी क्वालिटी आप देखिए क्या होगी, ये आपका परिवर्तन इससे आएगा, ठीक। और इससे मैंने एक वीडियो बताया कि आपको इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी गौमूत्र का जो है स्प्रे करना चाहिए, 3 स्प्रे अनमैच, जो वेदों में हमारे लिख किया, जो हमारी गाय का जो गौमूत्र में जो जीवाणु है, और एक्टिवेटेड जो मैंने बताया पानी गंगा जल का जो जीवाणु है, अद्भुत। पूरी खेती, कोई भी प्लांट हो, कोई भी चीज हो, मजा आ जाएगा जब आप करेंगे, खेती करने में आनंद आएगा। जो हम लोग खेती से भागते थे और जो बच्चे उसको अवॉइड करते थे, उनको मजा आएगा कि ऐसे ऐसी चीजें होंगी, ऐसे ऐसा यील्ड आएगा, इतना ज्यादा यील्ड बढ़ेगा कि आप देखेंगे परिवर्तन क्या आएगा। क्योंकि कंटिन्यू अगर प्रोसेस आप करना शुरू किया तो मुझे तो लगता है कि साल में आप 2 बार फसल लेंगे, 1 बार नहीं 2 बार फसल, और वो समय आएगा। सब हमारे जो वेदों में जो लिखा गया है, जो हमारे नॉलेज है, आधी नॉलेज है, आधा काम कर रहे हैं,
जो कि अभी भी साइंटिफिक चीज़ों से परे है, जो कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ग्रेस भी आप जो एक एक दाना होगा वो 100-200 ग्राम का होना चाहिए, और जो उसका वेट आएगा वो 4 किलो 5 किलो से ऊपर जाना चाहिए। ये सब इसी से होगा, आप करके देखें और आनंद लें कि खेती में क्या फ़ायदा होता है। जो फायदा होगा वो आपको अलग होगा, सेविंग आपकी होगी, नेचुरल चीज़ आपने दिया उसके अंदर जो आस ऊपर डालने के लिए केमिकल यूज करते हो बंद रहेगा, क्योंकि इससे जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसकी साइनिंग आपकी नेचुरल होगी बगैर वैक्स के, वैक्स जरूरती नहीं है, और इसकी लॉन्गविटी बढ़ जाएगी। रखेंगे आप जो केमिकल्स रखते थे 1 हफ्ते, ये आपका 15 दिन से पहले खराब होगा ही नहीं। न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा होगी जो कि कभी आपने देखा नहीं होगा, किसी भी लैब में टेस्ट करा लीजिए, कहीं भी टेस्ट करा के देख लीजिए, अगर एक भी चीज का गलत निकल जाए तो आप जो हजारों साल पहले हम से हट के अंबानी आयुष घटा चीज हम लोग यूज करते हैं, साइंटिफिक का समावेश करें, लेकिन बहका में ज्यादा पर आज टेक्नोलॉजी में सब प्लांट लगा रहे हैं तो मने वो लागे से कहानी आयुष बट से नहीं, जो मैंने बताया इससे कोई भी प्रोडक्शन से नहीं, ये सतत मलाई करते हैं, किसी के बहकावे में ना जाएं, एक बार देखें आपको रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू करें, कुछ नहीं, अरे 85 पेड़ हमको दे दें, 50 पेड़ के ऊपर आप ट्राई कर लीजिए, बाकी आप अपनी जो प्रैक्टिस करते कर लें, जब हमारे 50 पेड़ आपको जब फल देगा 200 पेड़ के बराबर तब आप मानिए ये बिल्कुल सही आखी लाइनों में कह रही हो, बिल्कुल चेंजेस आएंगे, ये वो नसी के क्या क्या नसी आई तो आखी आखी लाइनों में कह रही हो, अपने आप आ जब आपको रेट मिलेगा सब कुछ सही होगा तो क्यों आप भागेंगे। तो मुझे आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस हो करें, जो फायदा हो जो आपको दिखाई दे उसका वीडियो बनाएं ताकि दूसरे के साथ में लगती हो तो तरह कपड़ा दी लूसिन खा मन।